देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में श्रीमती सोनिया गांधी ने वर्ष 2011 में बांसवाड़ा से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। राजस्थान में ये कार्यक्रम राजीविका के नाम से संचालित है। ये महिलाएं कृषि, पशुपालन व कई गैर कृषि गतिविधियों से अपनी आजीविका चलाती हैं। राजीविका के इस कार्यक्रम से सरकार इन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। इस काम के लिए महिलाओं के तीन तरह के संगठन बनाए जाते हैं। गांव की 10 से 12 गरीब महिलाओं का स्वयं सहायता समूह, गांव के सभी स्वयं सहायता समूहों का ग्राम संगठन और 25 से 30 गांवों में समूह से जुड़ी महिलाओं का क्लस्टर स्तरीय संगठन। कार्यक्रम में अब तक 2,30,000 समूह बनाकर 27 लाख आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है और अगले 3 सालों में राज्य की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। साथ ही 18,000 ग्राम संगठन और 540 क्लस्टर लेवल संगठनों से भी महिलाओं को जोड़ा गया है। ये समूह महिलाओं का महिलाओं के लिए संगठन है, जिनमें महिलाओं को जोड़ने से लेकर प्रशिक्षण, बैंकिंग, ऋण आवेदन सभी काम अपने क्षेत्र की अनुभवी महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। ये कार्यक्रम पूरी रणनीति के साथ संचालित किया जा रहा है। समूह की लाभान्वित व प्रशिक्षित महिलाओं को CRP कहा जाता है। ये गांव की अन्य महिलाओं को जोड़ने का काम करती हैं और 15 दिन में 6 समूह बनाती हैं। इन समूहों के बैंक लेन देन से जुड़े काम बैंक सखी संभालती है। राजीविका के इस कार्यक्रम में लगभग 1300 बैंक सखी काम कर रही हैं और 850 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट महिलाएं बैंकिंग लेन देन के लिए डोरस्टेप सर्विस दे रही हैं। समूह की इन महिलाओं को खास तौर पर कृषि एवं पशुपालन की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग कर उत्पादन व आमदनी बढ़ाने की मदद की जा रही है। मशरूम से हमें 10-15 हज़ार की आमदनी प्राप्त का जरिया लगा, इससे हमारा परिवार का अच्छी तरह से गुजारा हो पा रहा है। गैर कृषि गतिविधियों में 35,000 से ज्यादा महिलाएं छोटे उद्योग चला रही हैं, 25,000 से ज्यादा महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रही हैं और 15,000 से ज्यादा महिलाएं वस्त्रों से जुड़े काम कर रही हैं। सभी महिला ने मिलकर के एक मतलब डिमांड रखी, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक मसाले बहुत सारे होते हैं तो हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद में व्योन ने मतलब RSET से 30 महिला का बैच तैयार करके ट्रेनिंग करवाई। फिर ट्रेनिंग करवाने के बाद में 12 महिला ने मिलकर के मतलब 500-500 रुपये इकट्ठे करके खुद की राशि से इन्होंने काम चालू किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सब्सिडी देने के बजाय महिलाओं को सक्षम बनाया जाता है ताकि वे ऋण लेने के काबिल बन सके। इन समूहों को विभिन्न परियोजनाओं से 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बैंकों से 2,500 करोड़ रुपयों का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। आज इन समूहों की बचत लगभग 700 करोड़ रुपए है। इन महिला समूहों के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार के कार्यक्रम से इन महिलाओं के हुनर को पहचान मिल रही है और ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।